किसी भी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फ़ोटो को रिसेट करना पड़ता है, या पैन कार्ड हो कुछ भी हो, अपना फ़ोटो रिसेट करना पड़ते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से मोबाइल फ़ोन से अपना फ़ोटो साइज रिसेट कर सकते हैं। इसके बारे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए फ्रेंड। ठीक है, सर्च बार में लिखिए इमेज साइज। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ फ्रेंड, बड़ी आसानी से मिल जाएगा प्ले स्टोर में, आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देन आपको करना है ओपन, इस तरीके से ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, गैलरी, कैमरा कुछ भी हो फोटो ले लीजिए बड़ी आसानी से। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये फोटो ले लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए फोटो रिसाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से ये ऐप की मदद से। ठीक है, उसके बाद देखिए पैन कार्ड के लिए 230 चूज करें इस तरीके से, दोनों में सेम 213, देन ओके कर दीजिए। देखिए ये साइज हो गया है पिक्सल में 230। उसके बाद देखिए फ्रेंड, डाउनलोड इस पर क्लिक करें फ्रेंड, बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से किसी भी फोटो साइज रिसाइज कर सकते हैं बड़े आसानी से ये ऐप के मदद से। और ऑनलाइन पैन कार्ड या कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, बड़े आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। यही छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। हैप्पी नेक्स्ट डे फ्रेंड, बाय बाय। देखा आपने किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ोटो रिसेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है, ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। हैप्पी नेक्स्ट डे फ्रेंड, बाय बाय।